आपनेलरेडी बेसिक्स कर लिया है राइट पोस्ट बेसिक्स कम्स योर कोर कॉन्सेप्टो शुड बी स्ट्रॉन्ग फॉर यू तो अगेन योर योर मेजर फोकस शुड बी ऑन ट्राइंग आउट एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन अप्रोचेस कि आप कैसे जल्दी से यू कैन जम्प टू दी आंसर हाउ यू कैन अप्लाई अर डायरेक्ट फॉर्मूला इन समीज केसेस राइट ये सब आप कर सकते हैं दिस वीडियो इज ऑन ड्रॉपर्स आई पी मैच स्ट्रैटेजी और ये बहुत

ंग इट फॉर द सेकेंड टाइम यू ऑलरेडी डन योर सिलेबस अगर आपका सिलेबस हो गया है ऑलरेडी no पता है उसमें ज्यादा टाइम देने से कोई फायदा नहीं है द प्रॉब लाइज विद आर टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी राइट के हम टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं अंडर दैट सर्कमस्टांसिस तो यू विल हाफ ऑफ योर टाइम गिविंग टेस्ट यूंगी परसेंट ऑफ योर टाइम इन प्रैक्टिस यस

टू हंड्रेड से ज़्यादा ही है बट कम ऑन वी आर नॉट गोइंग टू बी एक्टिव थ्रू आउट द टाइम है ना बीच में डाउन टाइम आएगा वी माइट गेट वी माइट हैव टू यू नो बी एल्स बाकी प्रायोरिटीज भी होंगी आपके एग्जाम्स होंगे प्रोजेक्ट्स होंगे एंड स्टफ लाइक दैट राइट सो अराउंड टू हंड्रेड डेज में से यू विल बी गिविंग फाइव परसेंटेज ऑफ इट हियर दैट इज इन टेन डेज बेसिक्स खत्म करो इन टेन डेज कोर कॉन्सेप्ट खत्म करो

ट्वेंटी फोर्टी हंड्रेड हो गया बाकी अराउंड हंड्रेड डेज यू विल बी गिविंग टेस्ट राइट तो इन बेसिक्स आप बस स्किम थ्रू करेंगे इन लर्निंग थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो राइट ज्यादा फोकस ऑन ट्राइंग एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस ठीक है एग्जांपल्स और क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे ठीक है

एलआर uh, में ले लो लॉजिकल रीजनिंग का बेसिक्स आपको पता है वर्बल में ले लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बेसिक्स आपको पता है तो इन पे आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे राइट टू लर्न द कोर कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कर लिया है सो अगेन योर योर मेजर फोकस शुड बी ऑन ट्राइंग आउट एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन ठीक है बाद क्या करना है

या, पे, क्योंकि आपको अभी भी याद रहेगाटेड पार्ट ऑफ इट ये आपने शायद पिछली बार स्किप किया होगा और यू वुड नॉट कंफर्टेबल विद इट राइट से हायर मैथमेटिक्स में आप ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहे होंगे या पैराजल uh, में आप ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहे होंगे या वो कैब आपने स्किप करने का सोचा होगा तो दैट यू कैन कवर अप नाउ अब आपके पास बहुत टाइम है टू कवर दो राइट तो यू कैन गिव एडवांस तो यहां पे आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने होंगे यस अलोंग यू विल बी गिविंग यू विल बी गोइंग फॉरवर्ड विथ एग्जाम्पल जॉस ठीक है देन कम्स द मेजर पार्ट दैट इज योर प्रैक्टिस यस

कि जब हम चालू करें तब द ड्राइव शुड बी स्मूथ राइट तो इजी क्वेश्चंस विल टीच यू क्वेश्चन अप्रोचेस कि आप कैसे जल्दी से यू कैन जंप टू दी आंसर हाउ यू कैन अप्लाई अ डायरेक्ट फॉर्मूला इन सम ऑफ समीज केसेस राइट ये सब आप कर सकते हैं यू विल बी ट्राइंग ईजी मॉडरेट एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन राइट अपार्ट फ्रॉम दीज यू विल ऑल्सो बी प्रैक्टिसिंग फ्रॉम योर प्रीवियस यस प्रीवियस इश्चन्स का भी प्रैक्टिस करना है इनरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर एंड रोहतक इज priority यू नो sure आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें बिकॉज गिव यू टेस्ट ऑफ द काफ क्वेश्चन स्पेशली वेन इट कम्स टू डी आई एल आर क्योंकि डी आई एल आर का अलग से कोई सेक्शन है नहीं तो ये किस हिसाब से हाउ डू दे पुट इन अ क्वेश्चन फ्रॉम डी आई एल आर इन क्वांट का सेक्शन यू विल बी एबल टू विलन दो प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपको अच्छे खास क्वेश्चन राइट दिस इज वॉट बी फोकसिंग ऑन अपार्ट फ्रॉम दिस इनके अलावा अब क्योंकि आपका बेसिक्स आपका कोर आपके एडवांस हो चुके एट दिस स्टेज यू नीड मोर टू प्रैक्टिस है ना कहा से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम एस बैच न प्रैक्टिस फ्रॉम एस्पायर बैच एंड रिसेंटली वी स्टार्टेड पास फाइंड बैच यस तो इनमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो मतलब आप क्लास तो अटेंड कर ही सकते हो उसमें भी हम क्वेश्चन कराएंगे अपार्ट फ्रॉम दैट इन सब के डीपीपीज भी अवेलेबल होंगे है ना इन सब के डीपीपीज भी अवेलेबल होंगे दिस इज स्पेश फॉर द वस

बात कर ली है कौन सी बुक फॉर विच से इंपॉर्टेंट इसलिए हमने इसको फिफ्टी परसेंटेज ऑफ द टाइम अलॉट किया है क्यू बिकॉज यूर अ ड्रॉप ऑलरेडी गिवेन दिस आप दिस इज द सेकंड टाइम यूर गोइंग टू फेस द सेम बोलर राइट अगर आप अभी भी नेट में अपने बेसिक बॉलर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो और वहां पे आपको यू हैव टू फेस और स्टेन यू नीड टू नो और फॉर एग्जांपल यू नीड टू नो कि उनकी बॉलिंग क्या है उनका स्टाइल क्या है राइट दैट इज इन दैट एनवायरमेंट आप कैसे परफॉर्म करते हो अंडर दैट प्रेशर हाउ डू यू परफॉर्म एंड फॉर यू टू गेट यूज सी टेस्ट गिविंग इज यू नो अ पैनिकी थिंग फॉर एवरीबडी आपके लिए भी

ट विल हैो हाउ टू डी विद राइट टाइम कम है इतने क्वेश्चन करने हैं आई नो हाउ टू अडप्टाइम बहुत ज्यादा है क्वेश्चन भी डिफिकल्ट आई नो हाउ टू अडेप्ट माइ स्ट्रैटेजी ये सब चीज का प्रैक्टिस आप कहा बाई गिविंग टेस्ट तो वेदर यूर गिविंग योर वीकली प्रैक्टिस टेस्ट वेदर यू आर गिविंग मॉक टेस्ट सेक्शनल टेस्ट जस्ट मेक श्योर आप उन टेस्ट को दो उन टेस्ट को सीरियसली दो यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट के हाँ सर ने बोला दस टेस्ट दे दो काफी है तो दस ही टेस्ट दूंगा बट दे दूंगा जैसे तैसे बिना प्रिपरेशन गिव इट सीरियसली राइट द नंबर ऑफ टेस्ट डर लॉट ऑफ क्वेश्चन आर आज जब भी हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं सर कि कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए द नंबर ऑफ टेस्ट डजेंट मैटर Yes, आप भले ही बीस टेस्ट ही दे बिकॉज यू विल है तीन महीना आपके पास रहेगा टू तो गिव टेस्ट और अगर आप तीन महीना में <laughs> थ्री सिक्सटी डेज राइट इवन इन, इन थ्री डेज आप अगर एक टेस्ट दे तो, तब भी बीस हो जाते तो तो मॉक टेस्ट तो आप ब्लाइंडली दे सकते हो कैन एनी डे गिव ट्वेंटी टू थर्टी मॉक टेस्ट thing, ना इज नॉट जस्ट अबाउट गिविंग दाइट तो आपको टेस्ट को तो सीरियसली देना ही देना है Yes. Give tests. Seriously, वो तो आपको करना ही करना है तो इसके अलावा क्या करना है सर मेरे को इतना ही मार्क्स आया इस मॉक में आई एम सैड आई एम फ्रस्ट्रेटेड आई एम डीमोटिवेटेड वाई डू यू डू दैट टू योर सेल्फ यू अंडरस्टैंड राइट ये आपने खुद पे लिया है राइट दिस इज नॉट अ जेनरल थिंक यार सब होते नहीं ये आपने खुद पे लिया है right? राइट

तो नाउ वट डू इन द नेक्स्ट टेस्ट माई आईडिया एक बार देखूंगा राइट देन स्लोली दैट टाइम मैनेजमेंट स्किल स्किल जो जो है जो है मेकिंग कि ये वाला क्वेश्चन अभी करना है ये वाला क्वेश्चन करना है बट अभी इसके लिए टाइम मैं स्पेंड नहीं कर सकता या ऐसा क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है एंड आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम ऑन दिस ये सब चीज आप मॉक टेस्ट देकर ही सीख सकते हैं राइट right? But then the idea is test देने के बाद you have to do a proper analysis of it. Yes, ये important है It's not just mock test देते जाओ देते जाओ देते जाओ देते जाओ और test को आप track करो score को आप track करो pointless है ये score you need to understand right? तो अब अगर आप let's say if you're giving 30 mock test, all these 30 mock test are going to have a very difficulty level. क्योंकि आईपी मैट का भले ही इंदौर हो रोहतक हो जिप मैट डिफिकल्टी लेवल नहीं है समटाइम्स द क्वेश्चन आर इजी समटाइम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन अ टेस्ट गेट द लर्निंग एंड नॉट रिपीट दैट मिस्टेक इन द नेक्स्ट वन आई होप यू आर एबल टू गेट दैट राइट इट्स नॉट अबाउट द स्कोर ये आई डोट इवन वॉन्ट टू लुक एट द स्कोर स्कोर की तरफ देखो भी मत के हाँ चलो हाँ आ गया ठीक है बहुत बढ़िया अच्छा आया बहुत बढ़िया कम आया कोई बात नहीं लर्न फ्रॉम दैट राइट यू हैव टू डू अल्ड एनालिसिस हर सेक्शन में येस इन एवरी सेक्शन हाउ मेनी क्वेश्चन वेर यू एबल टू अटेंड नंबर ऑफ अटैम्प उनसे कितने आपके करेक्ट हुए Yes, कितने गलत हुए और कितने आपने छोड़े राइट सो नंबर ऑफ सही गलत लीव दूव डन राइट कितने आपने क्वेश्चन जो है छोड़ दिए अन बोलोगे सर पत्ते नॉट so, अटैम्प्टेड कितने थे

बट अगर आपको लगता है कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा थे एंड दैट रिजल्टेड इन अ लॉट ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस राइट तो क्या हो जाता है अगर आप ज्यादा अटेम्प्ट करते हो बहुत लोगों को लगता है कि मोर अटेम्प्ट्स मींस मोर एक्यूरेसी नो नॉट नेसेसरीली ज्यादा अटेम्प्ट का मतलब यह भी हो सकता है कि आप क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ रहे आप अननेसेसरी ट्रैप्स में गिर रहे और आप जहां पे आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए वहां पे आप नहीं कर रहे जो टाइम ये क्वेश्चन डिजर्व करता है आप नहीं कर रही और रशिंग इन टू क्विकली राइट तो ये भी अवॉइड करना है तो इट्स यू हैव टू बी अ लिटिल ऑफ बोथ राइट आपको क्विक भी होना है बट यू हैव हैव टू टू बी थरो एंड यू मेंटेन एक्यूरेसी बिकॉज टेस्ट लाइक आई पी मैट इज नॉट अबाउट जस्ट कंप्लीटिंग द टेस्ट क्विकली कि हम सिर्फ टाइम देखेंगे स्कोर नहीं देखेंगे करेक्ट रॉन्ग नहीं देखेंगे ऐसा नहीं है इट्स अ लिटिल बिट ऑफ बोथ राइट

you need to identify could there be have been a, a, an easier way a more effective way of solving this yes yahi same question ko can i solve it in a more effective way yes kya main iska effectiveness badha sakta hu अगर मैं ये क्वेश्चन को, let's say i took a question and i it took me uh, 90 seconds to answer can i try to cut down that 20 seconds cut down 10 seconds also अननेसेसरी आपने कैलकुलेशन कर दी जो जरूरत नहीं थी ऑप्शंस आपके दूर दूर थे आप नंबर को देख के ऑप्शन कर सकते थे बट स्टिल आपने पूरा एंड तक कैलकुलेशन किया फिर किया या अगर कोई शॉर्टकट है आप उस शॉर्टकट को छोड़ के ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करे जा रहे हैं पेजे भरे जा रहे भरे जा रहे तो ऑल दीज इंप्रूव ऑन राइट एंड जो नंबर ऑफ इनकरेक्ट है कि अटेम्प्ट किए बट गलत किए क्या गलती हुई वॉट वॉज द मिस्टेक राइट ऑन मिस्टेक्स जो हमने गलती करी क्या वो सिली मिस्टेक था या yeah? uh, हमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा क्वेश्चन में टू एक्स की वैल्यू पूछी थी हमने तो एक्स की वैल्यू लगा के खुश हो गया और ऑप्शन में मिल गया गलत हो गया या yeah? या फिर कैलकुलेशन एरर था

इमेजिन आप ना आप फुटपाथ पे कहीं पे मतलब आपके रिना आपके नोन जगह पे फेमिलियर जगह पे आप चल रहे राइट right? और क्योंकि इट इज अ फेमिलियर ग्राउंड फॉर यू यू ऊपर देख के चल रहे हो मस्त एंड देन यू यू ट्रिप एंड फॉल राइट फिर आप वहां पे देखते हो कि यार यहाँ पे तो एक खड्डा है यहाँ पे फुटपाथ पे एक खड्डा है द नेक्स्ट टाइम वेन यू वॉक जब आप उसी जगह से गुजरते हो क्या आप फिर भी ऊपर देख के चलते हो दैट मोमेंट दैट एग्जैक्ट स्पॉट आप क्या करोगे जानबूझ के नीचे देखोगे

याद दिलाने के लिए कि ऐसा जब कोई भी सिचुएशन होता है देन आई शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल राइट क्या आप क्वेश्चंस का एनालिसिस बराबर कर रहे हो आर यू स्टिल डूइंग हाइड हाइड एनालिसिस यस एनालिसिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये सब चीजें आपको फोकस करना आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल गाइस एंड इफ यू वे टू फॉलो द स्ट्रेटजी यस इनरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर अ ड्रॉपर और नॉट यू विल बी एबल टू क्रैक आईपी मैट

ंग द नेक्स्ट स्ट्रेटी वीडियो ऑन दिस दिस इज द यूजल प्रॉब्लम दैट वी फेस कमेंट्स में लगाओ एंड वी विल मेक श्योर के हम उसपे भी वीडियो बनाए तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल ऑल द वेरी बेस्ट फोक्स